claro, né? और भाई सब ठीक है तो? अरे भाई स्कूल गए हुए एक महीना हो साला, इस बार तो पक्का गार्जियन कॉल होगा। वो है ना हम चारों का बाप, साला किस दिन काम आएगा, इतना माल जो उसे देते हैं। चल अब देर मत कर, निकल यहाँ से निकल। रुक रुक रुक, बे बस इतना सही। और राजू जा बेच क्या। बस 50 रुपया। कहाँ बेचा? कलुआ कर, उसका चोरी करना पड़ेगा। अरे भाई उसी का तो चोरी किया था। भाई सोच लेना, 2-3 घंटे करके चले आए। ए संतोष पढ़ाई से। ओह नो। ए स्क्वायर प्लस 2AB + B² अलजेब्रा मैंसुलेशन ट्रिग्नोमेट्री, साला जिंदगी में कुछ काम नहीं आती और कितनों की तो जिंदगी भी बर्बाद कर देती है। चल हटा मैथ, हिस्ट्री शुरू कर। गांधी का जन्म कब हुआ, अकबर का बाप का नाम क्या था, ताजमहल किसने बनवाया, ये सब जान के क्या करेगा रे तू। साला जानना है तो आज का बात जान, आज का। हटा हिस्ट्री, ज्योग्राफी स्टार्ट कर। पृथ्वी गोल है, तूने कभी देखा है, तू कभी गया है, उसने बोला तू मान गया। चल हटा ज्योग्राफी, इंग्लिश स्टार्ट कर। TO2, DO2, GO, PIO, SON, SON। कभी सी को के पढ़ाएगा, कभी सी को सी। साला वर्ड दिखता है मगर साइलेंट है। चल हो गई तेरी पढ़ाई। हाँ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, पर इसकी पढ़ाई से तो मैं जरूर मंत्री बन जाऊंगा। अबे देख पढ़ लिख के तो कोई फायदा नहीं, और अब तो नौकरी मिलने से भी रही। अबे ले जा जा माल लेके आ जा। अबे जितना पैसा बाप पढ़ाई में खर्चा करता है उतना अगर जमा करके दे दे, अच्छा खासा बिजनेस खड़ा हो जाए। भाई बाप का बात तो मानना ना पड़ेगा। अबे अगर बाप का बात मानता तो नहीं तो अभी रेलवे में रहता, क्रिकेट में नहीं। अबे स्कूल जाके क्या करेगा, वही पुरानी टीचर वही पुराना किताब। नहीं भाई मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे कुछ पढ़ लिख के बनना है। लो कर लो बात, पूरे मुल्क में करोड़ों लोग पढ़े लिख के बेकार घूम रहे हैं। अबे पढ़ लिख कर अगर कोई छोटा काम करेगा तो शर्म आएगी, अगर पढ़ा नहीं रहेगा तो कोई भी काम कर सकता है। कौन कहता है कि नौकरी नहीं मिलती, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती उनकी खुद की गलती रहती है, और ऐसे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार की गलती बताते हैं। मैं पढ़ूंगा, तुम लोगों को बताऊंगा कि पढ़ाई से क्या फायदा होता है। साला थक चुका हूँ जिंदगी से, मन करता है जान दे दूं, मगर बच्चों का ख्याल आ जाता है। साला दिन पर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है और कमाई वहीं का वहीं, इतना गर्मी में काम करना मुश्किल हो जा रहा है। साला दिन भर काम करके मिलता क्या है, वही 100-200 रुपए। हाँ यार
सही कहा, इतना मेहनत करने का बाद भी साला घुट घुट के जीना पड़ता है। दिन भर घूर के बोरा तो भर जाता है। साला मगर जेब खाली ही रह जाता है। हाँ यार, घर घुसते ही बीबी का डायलॉग चालू। आलू नहीं है, प्याज नहीं है, चावल नहीं है, अब बच्चे का दूध नहीं है। और साला ठेल ठेल कर दिमाग खराब हो जाता है। और शाम में मालिक को देकर वही तो 300 बचता है। साली मेरी बीबी तो बीबी सी है, घर में घुसते ही देर नहीं कि लगता है कि नर्क में आ गया हूँ। साला काम करते करते सर में दर्द होने लगता है। ऊपर से साला उसका मचमच अलग। बोलिए सर, किसको खोज रहे सर? एक लड़का जब पढ़ने जाया करता था तो तुम लोग उसे रोका करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे। याद है, उसे पढ़ाकू पढ़ाकू कह के बुलाते थे। तुम लोग उसे चिढ़ाया करते थे और वो लड़का तुम लोगों से कहा करता था। कौन कहता है कि नौकरी नहीं मिलती? जिन्हें नौकरी नहीं मिलती उनकी खुद की गलती रहती है। और ऐसे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए सरकार की गलती बताते हैं। मैं पढ़ूंगा, तुम सबको बताऊंगा कि पढ़ाई से क्या फायदा होता है। और वो लड़का मैं हूँ, पढ़ाकू। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, इज्जत, सब कुछ है। और जानते हो क्यों? मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई, मेहनत किया है, मेहनत। बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ाई करते वक्त आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उस वक्त की आराम बाद में उसे तकलीफ देने वाली होती है, और पढ़ाई के वक्त की तकलीफ उसे जिंदगी भर आराम पहुंचाती है। अरे नौकरी मिलती है मगर अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ता है। मगर तुम लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसे जात पात में तब्दील कर देते हो। तुम लोगों का तो वक्त गुजर गया, लेकिन अब भी वक्त है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उस काबिल बनाओ, तभी इस देश की तरक्की हो सकती है। कोई भी कौम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ती जब तक कि उस कौम के बच्चे पढ़ाई ना करें, नई टेक्नोलॉजी को ना अपनाएं। और छोड़ो ये सब बातें कि हमें नौकरी नहीं मिलती है। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर भूखा भी रहना पड़े तो भूखा भी रह लो, तभी हमारी तरक्की है, तभी हमारे कौम की तरक्की है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।
ये गलत बात है हथियार उठाना होगा, ये गलत बात है हथियार उठाना होगा, कोशिशें कीजिए कदमों पे जमाना होगा, कोशिशें भूखा खुद रह के भी बच्चों